हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने 13 इंच की पेपर कटिंग कैसे करते हैं वह हमने देखे थे। अब हम उसकी ब्लाउज़ कैसे सिलते हैं वो देखेंगे। पहले हम बाजू को नीचे की तरफ से, जहाँ बाजू फिटिंग करते हैं वहाँ नीचे की तरफ से उसको एक कच्ची सिलाई देके उसको मोड़ देंगे। हमारी बाजू की लंबाई है 5 इंच, 5 इंच यहाँ से यहाँ तक हम उसको अभी कच्ची सिलाई देंगे। बाद में हम इसको हाथ सिलाई करेंगे। हमारी बाजू की लंबाई थी 5, उसमें हमने 1.5 इंच मिलाए थे, 1.5 इंच हमने अंदर मोड़ने के लिए मिलाए थे, तो हम कच्ची सिलाई मारेंगे अभी, बाद में हम इसे हाथ सिलाई करेंगे। ऐसे कच्ची टिप मारेंगे, बाद में हम यहाँ से इसको हाथ सिलाई करेंगे और ये जो धागा है उसको निकाल देंगे। दूसरी भी बाजू को ऐसे ही सिलने के, दूसरी भी बाजू को ऐसे सिलाई करने के बाद दोनों तरफ से ये बगल की बाजू ऐसी दिखनी चाहिए। ये हमारी लेफ्ट की और ये राइट की बाजू हो जाएगी। अब हम कटोरी कैसे जोड़ते वो देखेंगे। ये हमारी कटोरी है, इसको टक्स कैसे मारने का वो दिखाती हूँ। ऐसी हमारी कटोरी है, ये दो कटोरी के दोनों जो साइड के हैं उनको ऐसे दोनों मिलाकर ऐसे रखने का और उसे यहाँ से जो नीचे की तरफ से यहाँ से 1.5 इंच और यहाँ से 2.25 इंच, 2.25 इंच इसलिए कि ये कटोरी छोटी है 30 इंच की, 34 के आगे रहेंगी तो उसे 2.5 इंच यहाँ से, तो हम यहाँ 2.25 इंच लेंगे। 2.25 इंच लेने के बाद हम यहाँ से इसको एक तिरछी लाइन मारेंगे। ऐसे तिरछी लाइन लेने के बाद हम यहाँ से इसको सिलाई करेंगे ताकि हमारा ये टक्स की सिलाई है, इसे हम पक्की सिलाई मारेंगे। ये हमारी ऐसी कटोरी तैयार होगी। दूसरी कटोरी को भी ऐसे ही टक्स मारने का, ये जो टक्स का जो नीचे का भाग है उसे हम ऐसे मोड़ देंगे। ये ऐसे नीचे का भाग ऐसे मोड़ देंगे और ये टक्स की सिलाई। दूसरी भी कटोरी को हम ऐसे ही टक्स मारेंगे। ये दोनों कटोरी तैयार हो गई। अब हम इसको आगे के फ्रंट को जोड़ेंगे। ये हमारे लेफ्ट साइड का है, ये जो कटोरी है इसे हम उल्टी, ये उल्टे रखने की और नीचे का उल्टा, ये दोनों ऐसे रखकर कटोरी कभी भी ऊपर वाली कटोरी उसे खींच कर लगाने की, नीचे का भाग नहीं खींचने का, ऊपर का भाग कटोरी का है उसे खींच कर सिलाई देनी, उसे ऐसे खींच कर लेनी, ज़्यादा नहीं खींचना, थोड़ा थोड़ा। ये देखो ये दोनों भाग जुड़े। ये ऐसी, ये देखो ये आगे के भाग का हमारा फ्रंट को कटोरी के
जोड़ दिए। अभी दूसरे फ्रंट को भी ऐसे जोड़ने की कटोरी। ये देखो हमारी दूसरी भी कटोरी जोड़ के तैयार है। अब हम बैक साइड को टक्स कैसे लेते हैं वो देखेंगे। ये हमारा बैक साइड है, अंदर के साइड से यहाँ गले के नीचे से जो बंद बाजू है उसकी तरफ से यहाँ से अंदर की ओर गले के नीचे अंदर की ओर 4 इंच लेंगे, यहाँ से 4 इंच और यहाँ से 4.5 इंच, ये पीछे का टक्स। इसे 1/2 इंच पे ऐसी सिलाई करने की टक्स की दोनों साइड से, यहाँ से और यहाँ से। इसे भी उतना ही लेना है 4 इंच नीचे की ओर से और ऊपर की ओर 4.5 इंच, 1/2 इंच पे इसको टक्स दे दें। टक्स कैसे लेते हो दिखाती हूँ। ये जो हमने मार्किंग किया है उसे ऐसे पकड़कर नीचे की ओर से ऊपर सिलाई लेंगे। ये देखो ऐसे उसे और डबल सिलाई। ये ऐसा टक्स दूसरी बाजू भी ऐसे ही करेंगे। इसे ऐसा पकड़ कर ये हमारे बैक साइड का टक्स है। ये है हमारे बैक साइड का दोनों तरफ का टक्स। अब हम सब अलग अलग पार्ट्स जोड़ेंगे। पहले हम बैक साइड को फ्रंट साइड का पार्ट्स जोड़ेंगे। ये बैक साइड का यहाँ से सीधा और फ्रंट साइड का ये सीधा, दोनों सीधे बाजू दोनों तरफ आने चाहिए और ये उल्टा उल्टा बाजू से आने चाहिए। अभी हम इसको जोड़ेंगे शोल्डर की तरफ ऐसे जोड़ेंगे। ये ऐसे यहाँ का भी दूसरा साइड का भी वैसे ही जोड़ देंगे। ये देखो दोनों साइड का ये जोड़ देंगे ऐसे। जो हमारा बैक का भाग है उसको हम ये कमर पट्टी 1 इंच की जोड़ेंगे। ये देखो ऐसी। अब इसको हम दाब टिप देंगे अंदर की तरफ से। ये इसको ऐसे करके जो जहाँ से सिलाई है उसके ऊपर ही सिलाई देंगे ताकि हमारी दाब पट्टी अच्छे से बैठ जाए। ये देखो दाब टिप से देखो कैसी कमर पट्टी मस्त बैठ गई है। अब इसे हम इसको ऐसे अंदर की ओर मोड़ के एक कच्ची टिप देंगे। कच्ची टिप देने के बाद इसे हम यहाँ से हाथ सिलाई करेंगे और वो टिप निकाल देंगे। यहाँ हम कच्ची टिप लगाएंगे यानी कि 5 नंबर की सिलाई। ये ऐसी सिलाई हो जाएगी ऐसी कच्ची टिप। इसको बाद में हम निकाल कर यहाँ के अंदर की ओर से हाथ सिलाई देंगे। अब हम फ्रंट साइड को कटोरी की ओर से क्रॉस पट्टी जोड़ेंगे। ये हमारी कटोरी है, ये देखो ऐसी इसको मैंने ऐसा किया है और ये हमारे क्रॉस पट्टी ये ऐसी है।
क्रॉस पट्टी ऐसी काट के, इसको डबल क्रॉस पट्टी यहाँ से जॉइंट दे, इसको ऐसा रख कर इसको ऐसे रख दें। यह हमारी क्रॉस पट्टी जोड़ के तैयार, जो एक्स्ट्रा भाग है हम उसे काट देंगे। इसको हम अभी इसको भी हम दाब टिप दे देंगे ऊपर से। दूसरे बाजू की क्रॉस पट्टी भी जोड़ लेंगे। अब हम इसकी हुक लूप पट्टी निकालेंगे। यह हुक लूप की पट्टी डेढ़ डेढ़ इंच की लेंगे, इसे अंदर से मोड़ के अपनी लेफ्ट साइड की हुक पट्टी इस तरह से इसको अंदर की ओर मोड़ के फिर इसको हम दाब टिप देंगे। इस तरह से उसको दाब टिप देकर उसके अंदर की ओर मोड़कर पूरी पट्टी अंदर ले लेंगे। यहाँ हम हुक लगाएंगे उसको, उसको एक टिप मार इस तरह से। अब हम दूसरी तरफ की भी पट्टी जोड़ेंगे। दूसरी तरफ की पट्टी हम अंदर की ओर से बाहर लेंगे। जो हमने हुक की पट्टी जैसे हमने बाहर की ओर से अंदर ली थी, वैसे ही इसकी पट्टी अंदर की ओर से हम बाहर लेंगे। इसको हम यहाँ से जॉइंट करेंगे। ये देखो ऐसे है ना, ऐसे लगाकर इसको थोड़ा सा मोड़ कर यानी बाहर की ओर इसको हम पट्टी थोड़ी बाहर निकालेंगे, ताकि हमारा जो काज है जो लुक है वो कर सके। अभी हमको कितनी हुक लगानी है वो हिसाब से यहाँ निशान कर देंगे। एक दो तीन चार और ये पांच, ऐसे पांच हमारे हुक्स तैयार होंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है काट देंगे। ये ऐसे हमारे हुक लुक तैयार होते हैं। अभी हम बाजू जोड़ेंगे। ये हमारा लेफ्ट की बाजू है और ये राइट की हमारी बाजू भी है। लेफ्ट के साइड ये जो ऐसा आता अंदर, ये राइट और ये लेफ्ट की है। तो हम पहले लेफ्ट की बाजू जोड़ेंगे।
उसे ऐसा उल्टा करके इस सीधे पे सीधा भाग रख कर उसको जॉइंट कर देंगे बाजू को, यहाँ से ऐसी टिप मार। जब भी हम बाई जोड़ेंगे, जो बाई है हमारी खींच कर लगानी चाहिए ताकि वहाँ सिलवटें ना पड़े। इस तरह से खींच कर लगानी चाहिए। गले की पाइपिंग जोड़ेंगे अभी, बाहर की ओर से अंदर की ओर लेना की। इस तरह से पट्टी जोड़कर पाइपिंग करनी हम करेंगे अभी। इसको ऐसे अंदर ऐसे करके ऐसे गोलाई लेने की उसकी। इस तरह से बारीक पाइपिंग आएगी, सब तरफ ऐसे ही करनी, अंदर की ओर मोड़ कर। ये हमारा तैयार ब्लाउज 30 इंचेस का।